नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजा गुप्ता और स्वागत करता हूँ आपका बिहेल्पर यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, अबुआ आवास से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ी न्यूज आया हुआ है। तो अबुआ आवास में जितने भी लोग आवेदन किए थे उनमें से 11 लाख आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया है, जो कि एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल में भी सारा कुछ दिया हुआ है। तो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो कि न्यूज़पेपर के आर्टिकल पे क्या लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर साफ देख सकते हो, संपन्न लोगों को भी अबुआ आवास लेने की फिराक में 11 लाख आवेदन रद्द। तो ये कुछ न्यूज आया हुआ है, जिनमें पूरा न्यूज क्या है वो भी मैं आपको अभी तुरंत बता ही देता हूँ। तो देखिए, अबुआ आवास लेने के लिए ग्रामीण में होड़ मची है। संपन्न लोग भी आवास लेने की कोशिश कर रहे हैं। अर्हता पूरी नहीं करने के बावजूद आवेदन देने से नहीं हिचक रहे हैं। ऐसे कई लोग जुगाड़ कर आवास की राशि लेने के चक्कर में पड़े हैं। यही वजह है कि आवेदन का आंकड़ा 31 लाख तक पहुंच गया है। तो आवेदन का जो आंकड़ा है दोस्तों, वो 31 लाख तक पहुंच गया है। टोटल 31 लाख आवेदन किया गया था, जिनमें 11 लाख आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया है। 31 लाख में से अभी जो करंट में बचा हुआ आवेदन है वो 20 लाख आवेदन बचा हुआ है। फिर 20 लाख आवेदन का भी छटनी होगा। अभी जो जियो टैग हो रहा है उसमें भी शायद छटनी होगा, उसके बाद आवास का पैसा लाभुक को मिलेगा। तो यहाँ पर 31 लाख में से 11 लाख आवेदन को रिजेक्ट किया गया है और 20 लाख आवेदन को रखा गया है। इसके बाद देखिए, इसमें कुछ शर्त, नियम और शर्त दिया हुआ है, इसे जान लेते हैं। क्योंकि न्यूज़पेपर का आर्टिकल जो है, आप पूरा अगर पढ़ना चाहते हो तो स्क्रीन पर लगा दिया हूँ, आप वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हो। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन्हें नहीं मिलना है आवास। तो किनको किनको आवास नहीं मिलना है वो भी दिया हुआ है। जिन्हें किसी भी योजना से आवास मिला हो या पक्का मकान हो, उनको आवास नहीं देना है। जिनके पास चार पहिया वाहन या मछली पकड़ने वाले नाव हो, उनको आवास नहीं देना है। तीन पहिया चार पहिया वाले यंत्रीकृत कृषि उपकरण हो, उनको नहीं दिया जाना है आवास। जिस परिवार का कोई सदस्य सरकारी अर्ध सरकारी सेवारत या सेवानिवृत्त नौकरी में हो, मतलब यहाँ पर सीधे बोल रहा है कि अगर परिवार में से कोई भी सदस्य का सरकारी नौकरी है या अर्ध सरकारी नौकरी है, उन्हें आवास नहीं देना है। तो यहाँ पर परिवार का अगर कोई सदस्य चुनाव द्वारा जनप्रतिनिधि चयनित हो, उन्हें भी नहीं दिया जाना है आवास। परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है, इनकम टैक्स भरता है, उन्हें भी नहीं दिया जाना है। परिवार या परिवार का कोई सदस्य व्यवसायिक करदाता हो, उन्हें भी नहीं दिया जाना है आवास। परिवार में रेफ्रिजरेटर हो, उन्हें भी आवास नहीं दिया जाना है। और ऐसे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या ज़्यादा सिंचित भूमि न्यूनतम 1 के सिंचाई उपकरण के साथ हो, उन्हें भी आवास नहीं दिया जाना है। और ऐसे परिवार जिनके पास 5 एकड़ या ज़्यादा सिंचित भूमि है, तो इन लोगों को जो है आवास नहीं मिलना है। जबकि अभी जो है ज़्यादातर इन्हीं लोगों को आवास दिया जा रहा है, जिनके पास पैसा है उन्हीं लोगों का आवास में नाम देखा जा रहा है। लेकिन इसमें अभी जो है छटनी भी किया जा रहा है, क्योंकि सरकार को भी मालूम पड़ गया होगा कि कहीं ना कहीं पूरा आवास योजना में घोटाला चल रहा है। इसलिए सरकार अब इसमें ठोस कदम भी उठा रही है। तो मेरा सरकार से यही उम्मीद है कि जो लोगों को वास्तविक में आवास मिलना चाहिए, वैसे ही लोगों को आवास ही सरकार को देना है, और वैसे लोग ही आवास योजना के हकदार भी हैं। तो आई होप कि आपको यह सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पर किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।